फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं तुड़िया और तुवर दाल की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तुड़िया में हाई प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है और इसे तुवर दाल के साथ बनाएंगे तो ये और भी हेल्दी हो जाता है। तुड़िया को कहीं कहीं पे गलका, कहीं कहीं पे नेनुआ नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम इसमें डलने वाले इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने 300 ग्राम तुड़िया ले रखा है, तुअर दाल, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, प्याज, तेज पत्ती, लाल मिर्च, हींग, जीरा, राई, अदरक लहसुन जिसे हमने छील के बारीक काट रखा है, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च। थोड़ा सा हम हरा धनिया यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने गलका को छील के धो के उसका पानी सुखा रखा है। अब हम इसे लंबे लंबे शेप में काट लेंगे। तो ऐसे हमने काट लिया है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक प्रेशर कुकर रखा है, उसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे। तो यहाँ पे हम सरसों का तेल डालेंगे, 1 चम्मच भर के हम इसमें तेल डालेंगे। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसे डालिए, पर सब्जी सरसों के तेल में बनी हो तो बड़ी ही टेस्टी लगता है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, क्योंकि सरसों का तेल जब गर्म हो जाए तो उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है वो निकल जाता है, फिर उसमें बनी हुई रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अपना तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तड़का डालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जीरा डालेंगे, तेज पत्ती, लाल मिर्च को हम 2 टुकड़े में तोड़ के डालेंगे, थोड़ा सा हम राई डालेंगे, दो से तीन चुटकी हम यहाँ पे हींग डाल लेंगे, तड़के को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से तड़कने देंगे, यानी कि तेल में उसकी अच्छे से फ्लेवर आ जानी चाहिए। ये सब तभी होता है जब हम फ्लेम मीडियम करके तड़का को चटकाएंगे। इसमें हम अदरक लहसुन का कटा हुआ बारीक बारीक डाल देंगे, प्याज भी डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, यानी कि हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए प्याज, उतना हमें भूनना है। तो चलिए हम इसमें अब मसाला ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा हम धनिया पाउडर डाल लेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। धनिया, हरी मिर्ची को अच्छे से हम प्याज के साथ भून लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले का कलर कितना बढ़िया आ चुका है। इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को भी हम आधे मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। अब इसमें हम कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे। टमाटर को हमें सॉफ्ट होने देना है। तो आप देख सकते हैं अपना टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। नमक डालने से टमाटर अपना बहुत ही जल्दी गल जाता है। अब हम इसमें तुवर दाल ऐड करेंगे। दाल को भी हमें 1 से 2 मिनट तक मसाले के साथ भून लेना है। अब हम इसमें कटा हुआ तुड़िया यानी कि गलका डाल देंगे। गलका डालने के बाद हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनना है। आप देख सकते हैं ये हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें आधी बॉल पानी डाल लेंगे, क्योंकि तुड़िया में ऑलरेडी पानी होता है तो पानी हमें कम डालना है और कुकर का ढक्कन लगा देना है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट हो चुका है, चलिए हम ढक्कन को खोल के दिखाते हैं।
तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना तुड़िया और तुअर दाल का कलर आया है। ये खाने में तो टेस्टी लगता भी है, पर कलर भी कितना बढ़िया आया है आप देख सकते हैं। चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, तो इसे हम एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया तुअर दाल और दलका की सब्जी बनाना कितना आसान है, खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।